वीर माता की कोई कोख दिलाएगा तिरंगा यारो, हम तो सैनिक हैं हमारी शान तिरंगा यारो। ये ट्रेनिंग के दौरान ये बच्चे थे छोटे, ये बच्चे थे, ये छोटी है हानिया, जो ये यासर है, तो ये जिसकी शादी कराई, इसकी शादी कराई, ये छोटी इतने इतने थे जब वो शहीद हुए। जब मेरी शादी हुई उसके ठीक 1.5 साल के बाद मुझे लड़का पैदा हुआ। अक्टूबर नवंबर का महीना था तो ये पैदा हुआ, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे घर में लड़का पैदा हुआ। जब 8 तक पहुंचा तो उसके बाद वो बोलने लगा, बाकी बच्चे बोलने लगे कि आप जब पढ़ोगे तो क्या बनोगे। उसने बोला कि मैं फौजी बनूंगा, मुझे फौज में जाने का बहुत शौक है। उसको रफल उठाने का बहुत शौक था, फिर पंचगाम में उसकी ड्यूटी थी। तो उन्तीपुरा से आगे एक संगम जगह आती है, उस ब्रिज से पार जाना था उसको, तो ब्रिज से उतरा और गया पार। आस्ता आस्ता बाय रोड गया तो पीछे से उन्हीं की बटालियन की गाड़ियां जा रही थी उसी की पोस्ट पर। कुछ किलोमीटर उसने तय किया सफ़र, तो आगे एक जगह मिलिटेंटों ने आईडी लगाई थी इन्हीं के लिए। ऐसे ये ब्रिज पर गाड़ी चढ़ गई तो क्रीम में कोई बैठा था रिमोट वाला, उसने रिमोट दबा दिया और ये गाड़ी जुड़ गई। तो 8 लड़के थे इसमें, 7 तो उधरी एक्सपायर हो गए, तो एक का कमर टूट गया। हम सब नायक एजाज अहमद मीर की शहादत को सलाम करते हैं। नायक एजाज अहमद मीर एक सच्चे सैनिक थे और उनके अंदर जो जज्बा हिलोरे मार रहा था, मैं उसे शब्दों में कुछ इस तरह बयान करना चाहूंगा। हम तो सैनिक हैं हमारी शान तिरंगा यारो, मुख्तलिफ कौम है अपनी मगर पहचान तिरंगा यारो। हम तो अब जान पर खेलेंगे बचाएंगे वतन, अब हमें खौफ शहीदी का नहीं, घर तलक साथ निभाएगा तिरंगा यारों।